फेसबुक चलाने वाले हो जाइए सावधान, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं इस खबर को देखने के बाद आपको पता चलेगा। नए नए तरीकों से लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं साइबर ठग। वे लोगों को ठगने के लिए फेसबुक का सहारा ले रहे हैं। फेसबुक आईडी से फोटो का इस्तेमाल कर साइबर ठग फर्जी अकाउंट बनाकर लोगों से बीमारी के बहाने पैसे की मांग कर रहे हैं। अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो धोखाधड़ी के नए तरीके से हो जाइए सावधान। हैकर्स आपकी प्रोफाइल फोटो को चोरी करके फेक आईडी बनाकर फ्रेंड रिक्वेस्ट के माध्यम से आपके दोस्त, आपके सगे संबंधी या रिश्तेदारों से पैसे की डिमांड कर रहे हैं और बीमारी का बहाना दिखाकर आपके सगे संबंधी से पैसे की डिमांड कर रहे हैं। और हैकर्स किस तरह से लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं इस वीडियो में हम आपको पूरी बताएंगे और किस तरह से आप इस ठगी के शिकार से बच सकते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल्स में आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपका कोई दोस्त, सगा संबंधी साइबर ठगी के शिकार से बच सके। सोशल मीडिया पर किसी भी व्यक्ति को पैसे ट्रांसफर ना करें क्योंकि यह धंधा बहुत तेजी से फेसबुक पर चल रहा है। इन दिनों लॉकडाउन के चलते अधिकतर लोग सोशल नेटवर्किंग साइट पर समय बिता रहे हैं और इसी का फायदा हैकर्स उठा रहे हैं। एक तरफ जहां सोशल साइट फेसबुक एक दूसरे को नजदीक ला रही है, वहीं दूसरी तरफ जलसा जिसका उपयोग पैसे की उगाही के लिए कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला पश्चिम करबलंग जिले के लांबा पथार के रहने वाले गोपाल पंडित जी का है। गोपाल पंडित जी के नाम से फेक फेसबुक आईडी बनाकर फ्रेंड रिक्वेस्ट के माध्यम से फ्रेंड बनाकर उनके दोस्तों से मैसेंजर के जरिए गूगल पे और फोन पे के माध्यम से पैसे मांग रहे हैं साइबर ठग। अतः आपसे अनुरोध है कि उससे कतई पैसे मत दे और भविष्य में भी सतर्क रहे, किसी को इस तरह पैसे मांगने पर ना दें। यह धंधा बहुत तेजी से फेसबुक पर चल रहा है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब गोपाल पंडित जी को उनके कई दोस्तों का फोन गया और उन्हें बताया गया कि आपके फेसबुक आईडी से पैसे की मांग की जा रही है, आखिर आप इतने इमरजेंसी में पैसे की मांग क्यों कर रहे हैं। तब गोपाल पंडित जी को एहसास हुआ और वो फेसबुक पे इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि कोई उनका फेक आईडी बनाकर पैसे की मांग कर रहा है। साथ ही बताया गया कि मैसेंजर चैट के माध्यम से हैकर के द्वारा गूगल अकाउंट नंबर 7860939559 में हजारों ट्रांसफर करने की बातें कही गई है, जिस पर शक होते ही गोपाल पंडित ने अपने दोस्तों से अपील किया है कि कोई भी पैसा ना दे। हैकर किस तरह से इस काम को अंजाम देते हैं इसके बारे में हम दिखाएंगे, पूरा रिपोर्ट देखिए। फेसबुक हैकर या बदमाश फेसबुक अकाउंट से उनके फोटो और डिटेल्स सहित लोगों की लिस्ट निकाल रहे हैं और उन्हें पुनः फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर जुड़ने के लिए आमंत्रित करते हैं, जिसके बाद हैकर संबंधित व्यक्ति बनकर दोस्त से मैसेज में चैट करते हैं और अर्जेंट कार्य बताकर पैसे की मांग करते हैं, जिसके लिए हैकर्स के द्वारा पेमेंट के लिए भी नंबर दिए जा रहे हैं। हो जाइए सावधान, नहीं तो आप भी हो सकते हैं इसका शिकार। इस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपका कोई दोस्त या परिचित इन ठगों का शिकार ना हो। वर्तमान समय में साइबर क्राइम और हैकर अपनी चरम स्थिति पर है, ऐसे में उनके द्वारा कई तरह से भी भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनके अकाउंट में सेंधमारी कर रहे हैं। इंटरनेट का उपयोग करते समय हमें जितना सरल या महसूस होता है उतना ही हमें सजग रहना होगा। बता दें कि फेसबुक में बहुत से ऐसे सेटिंग है जिसे अपने अकाउंट को सुरक्षित किया जा सकता है। इसके लिए फेसबुक की ऑफिशियल साइट और यूट्यूब से सिक्योरिटी के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। वहीं अपना प्रोफाइल फोटो भी हमेशा लॉक रखें ताकि उसका कोई मिसयूज ना कर सके। फर्जी आईडी बनाकर उगाही करने वाले हैकर शाम होते ही बस जाएंगे, लेकिन जिसकी आईडी बनी है उसके संबंध उनके रिश्तेदार और मित्रों से हमेशा के लिए खराब हो जाएंगे, इसलिए हमें सजग रहना होगा। इस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपका कोई दोस्त या परिचित इसका शिकार ना हो। न्यूज अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट करिए और शेयर भी करिए। वहीं अगर फेसबुक पे असम हेडलाइंस न्यूज को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कीजिए। अगर यूट्यूब पे हमारे असम हेडलाइंस न्यूज को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं।